नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 20 मई को उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है और ऐसे में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमीरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस वाले आपका वोट ले तो लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते ही सौगात उनको बांटते हैं जो इनके लिए वोट ज्यादा करता है, और इसीलिए आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया हूं। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया हूं। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। फिर आपकी संपत्ति में से एक हिस्सा अपने जो वोट जिहाद करने वाली वोट बैंक है उन लोगों को दे देंगे। आप मुझे बताइए भाइयों, आपकी संपत्ति किसी भी सरकार को, अगर मेरी बात पहुंची है तो सब लोग जवाब देना, क्या किसी भी सरकार को आप अपनी संपत्ति छीनने देंगे क्या? किसी को लूटने देंगे क्या? आपके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाया है उस पर आपका अधिकार है कि नहीं है? वो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये सपा कांग्रेस वाले अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि वो एक्सरे निकालेंगे, आपके पास कितनी जमीन है, आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कोई गहने हैं क्या, आपका मंगलसूत्र कहां पड़ा है, और फिर आपकी जरूरत से ज्यादा जो भी है जिसके पास नहीं है वो वोट जिहाद वालों को बांट देंगे। क्या आपने अपने माता पिता की संपत्ति को बांटने देंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में चुनावी जनसभा भी की है और साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आम जनता से वोट की अपील की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सपा कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक के संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। देश के अंदर चार चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं, तीन चरण बाकी हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर पहली बार हो रहा है जब जनता जनार्दन ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर पहले से इस बात के लिए आश्वस्त है कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो परिणाम के फलस्वरूप अभी से आश्वस्त है कि जीतेंगे तो आएंगे तो, और इसका कारण है, यही कारण है कि हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है, वह नारा है
कि फिर एक बार अब की बार बहनों और भाइयों, यह उद्घोष अब जनघोष बन गया है। पूरे देश के अंदर यह कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विभाजनकारी तुष्टीकरण और अराजकता की नीतियों के खिलाफ देश की आम जनमानस की उद्घोषणा का शंखनाद है और प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना की विजय का यह एक नया उद्घोष भी है। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देवरिया पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है। साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इस बार बीजेपी को 400 पार करने से कोई नहीं रोक सकता। संकल्प रहा है हम लोगों का कि एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और देश का जैसा माहौल है और चार चरणों के जो अभी तक चुनाव संपन्न हो गए हैं उसकी जो रुझान मिल रही है उससे राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह मानना है 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी लेड एनडीए विजय हासिल करेगी। और उधर सिद्धार्थनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं वो भी गिनवाई और साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि 10 साल हमने देश को जिस विकास यात्रा पर आगे ले जाने का काम किया है उसको देखते हुए देश के कोने कोने में और हमारे उत्तर प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड कायम होगा। और जो सपना हम सब ने मिलकर इस देश के लिए देखा है कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाकर 2047 का विकसित भारत बनाएंगे वो सपना भी पूरा होगा। पिछले 4 चुनाव के नतीजे उठाकर देख लीजिए, 2014, 2017, 2019, 2022 समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मतदाता ने पूरी तरीके से नकार दिया है और इन खोखले वादों में अब कोई दम नहीं है। ये दावे बेबुनियाद हैं। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश जी को भ्रम हो सकता है, इंडी गठबंधन के और साथियों को भ्रम हो सकता है, लेकिन देश का मतदाता पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन पे भरोसा करता है और वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ईवीएम पर बटन एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में दबने वाले। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अखिलेश यादव ने लखनऊ के सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में समर्थकों में भारी भीड़ भी देखने को मिली है और लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम से शुरू हुआ यह रोड शो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ अंबेडकर प्रतिमा के पास संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। समाजवादी पार्टी में हर वर्ग का कार्यकर्ता मिलेगा, बच्चे बूढ़े औरतें खासकर उनके कैंपेनिंग में नजर आते हैं, लेकिन कुछ कलाकार भी हैं जो काफी समय से समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं। एक छोटी सी उम्र में उन्हें एंट्री की। हमारे साथ नवरतन है। नवरतन पैदल अपने घर से मुलायम सिंह के देहांत के बाद मैनपुरी गए थे, कई सौ किलोमीटर का सफर तय किया था, इसके बाद नवरतन चर्चा में आए थे। नवरतन आज फिर आ गए लखनऊ। जी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शन हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी आपके चाहने वाले आपके आईडी पे जुड़े उनका बहुत बहुत स्वागत, इस चैनल पे अभिनंदन है। अच्छा ये बताओ, चुनाव चल रहा है पूर्वांचल में भी, चुनाव चल रहा है और तुम्हारे चाचा मैदान में आ गए, उनका लड़के जो है मऊ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो जीतेंगे हारेंगे क्या लग रहा है? देखिए समाजवादी पार्टी जीत रही है,
इंडिया दस बंदर मजबूत हो रही है, अखिलेश यादव दिल्ली साइकिल पहुंच रही है। तो दिल्ली तो पहुंच रही है, गाजीपुर का क्या रहेगा और मऊ का क्या रहेगा? ये तो जनता बताई थी, बोले हाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है। नहीं जीत तो रही, कैसे जीते को समीकरण बताओगे? हवाबाजी से। हवाबाजी समाजवादी लोग नहीं डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले डरते होंगे, समाजवादी पार्टी नहीं डरती है। तो समीकरण क्या कह रहा है, कौन दे रहा है वोट, कौन नहीं दे रहा है कुछ? जनता समाजवादी के साथ है और आने वाले 4 जून तो हल्दी पिन हमारी इधर मेहंदी वेदी लगता है, 2 जून 3 जून तो लावा हुआ, 4 जून तो विदाई, 4 जून को विदाई हो जाएगी। यही तुम लोग 22 में कह रहे थे, वही 14 में कह रहे थे, वही 17 में कह रहे थे। 1 मई बीजेपी गई, 1 मई बीजेपी गई, मई तो निकल गया, जून आ गया है, जून में रिजल्ट आएगा। 1 जून बीजेपी गई, बीजेपी गई। अच्छा ये बताओ 17, 14, 22 कितने इलेक्शन में कहोगे ये बात? आप जीती है क्यों देखे ये बताओ, तो कहाँ से देखे हमको दिखाओ ना, वहाँ से कहाँ से दिख रहा है बताओ, वहाँ से दिख देखे हम जाके। आप देखिए हाँ, यही भीड़ हमने देखी थी 22 में, पूरा साथ साथ में अखिलेश जी के थे हम। आप देख लीजिए ना, धारता और समाजवादी पार्टी तो पड़ रही है। वजह क्या है, वजह क्यों देंगे लोग? क्योंकि महंगाई हो रही, फिर दलित समाज तो कोई भी, और समाजवादी पार्टी जो काम समाजवादी पार्टी कर दिया है, बीजेपी तो अगले जन्म में भी नहीं कर पाएगी। अच्छा मोदी जी कह रहे हैं कि हमने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। अच्छा अच्छा, ये मैंने वीडियो देखा, रोने लगे, रोवा मत नहीं रहू विदाई तैयबा, रोवा मत नहीं रहू विदाई तैयबा, आए वाले 4 जून थे, आए वाला 4 जून थे, डोली तो हल जाई, आए वाला 4 जून थे, 4 जून तो समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय दे दी। ये तो बताओ पहले कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं कि नहीं मोदी जी? करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, अब फिर बोले थी मैं मुस्लिम तो मानता हूँ। क्या मोदी जी, आपका झूठाई बहुत हुआ, अब आज झूठाई बंद करी है और जनता समाजवादी पार्टी जीता रही है। ये तुम भी तो डांस कर रहे थे यार, कौन सा गाना बनाया था? सांसद जी हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हुए कि नहीं? जी उनको अभी 1 जून को हाजिर करके उसके बाद विदाई कर देंगे। 4 जून जी। चलो तो देखिए, ये वो कलाकार हैं जो समाजवादी पार्टी के कैंपेनिंग में पूरे प्रदेश में नजर आते हैं। फिलहाल बड़ी तादाद आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक कैंपेनिंग की लग गई है। अब अखिलेश यादव कुछ देर बाद आने वाले हैं, लेकिन इन कलाकारों ने भी समाजवादी पार्टी के लिए खूब माहौल बनाया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीवी लखनऊ। और अब एक नजर ताबड़तोड़ खबरों पर। कुशीनगर में फंदे से लटका मिला महिला का शव, पलंगों पार घर छोड़कर वो फरार हो गई थी। कसिया थाना क्षेत्र के रजबाबर टोल की घटना। औरंगाबाद में चोरों के हौसले बुलंद है, देर रात घर को निशाना बनाने का प्रयास किया, योजना बनाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए और इसमें कुछ शोर मचाने पर फरार हो गए। बुलंदशहर में एचटी लाइन से उठी चिंगारी से चपेट में आ गया ये वाहन, पार्किंग में खड़ा टाटा मैजिक जलकर राख हो चुका। अलीगढ़ में बस ने युवक को कुचल दिया है, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, गुस्साए परिजनों ने रोडवेज वर्कशॉप पर किया हंगामा। बहराइच में चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया, कार सवार युवक से 51 लाख की नकदी बरामद, भारत नेपाल सीमा के रुपई डिहार रोड का मामला। लखनऊ में बाइक सवार 2 युवकों को डंपर ने टक्कर मार दी है, हादसे में 1 की मौत, दूसरे की हालत नाजुक, हॉस्पिटलाइज, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस से चालक की गिरफ्तारी की मांग। रायबरेली में प्रियंका गांधी पहुंची है कांग्रेस का जिला कार्यालय, जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर चर्चा। फिरोजाबाद में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, बमुश्किल आग को कंट्रोल किया, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। मिर्जापुर के ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर यह हमला हुआ है, घटना में 5 लोग घायल हुए, शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई नहीं की है। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल। आगरा में दर्जन से अधिक युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा, युवक गंभीर रूप से घायल, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिर्जापुर में विद्य महिमा हुआ फिर से शमसार, शिक्षा के उपासना स्थल पर नारी को पीटते प्रसाद विक्रेता, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
आगरा में सरे बाजार युवक को दबंग ने जमकर पीटा है। दबंगई के चलते लोगों ने बचाने की नहीं उठाई जहमत। युवक के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कार्यरत संविदा कर्मी की लाइन पर काम करते हुए मौत। बिना सूचना के लाइन चालू करने से घटना घटी। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरा मौके से फरार। बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। बदायूं में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोल्ड चेन रूम में लगी है आग। लगभग दो घंटे के प्रयास से फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। सिद्धार्थनगर में मनाई गई है स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रथम पुण्यतिथि। कार्यक्रम में नेताओं के साथ ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा। बिजनौर में डबल मर्डर से फैली है सनसनी। दो सगी बहनों की हत्या का मामला, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में चाइनीज मांझे की चपेट में आई महिला। ई रिक्शे पर बैठी महिला की मांझे से कटी है गर्दन, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आगरा में भागवत कथा सुनने घर से निकली तीन बहन, रेलवे ट्रैक पर मिला दो बहनों का शव, तीसरी लापता। जांच में जुटी है। फर्रुखाबाद में टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। हथियार के बल पर पेट्रोल पंप के मालिक से लूटी लूट की घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगा दिया हत्या का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। कन्नौज में कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला, कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे सपा पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह, बोले कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगरा में संचालित प्याऊ में लगी है भीषण आग। प्याऊ के ऊपर बैठी विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। प्याऊ पर बैठी वृद्ध महिला ने भागकर बचाई अपनी जान। फर्रुखाबाद में ट्रक में लगी है भीषण आग। आग लगने से सड़क में मच गई अफरा तफरी। ट्रक में रखा सामान जलकर राख।